जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों। दोस्तों, तालिबान ने अपनी सरकार घोषित कर दी और कैसे ये एक मुहावरा बन चुका है कि अफगानिस्तान में आतंकियों द्वारा आतंकियों के लिए आतंकियों की बनाई हुई सरकार, और कैसे इसकी पैरवी पाकिस्तान कर रहा है बारी बारी में इनको ऊपर उठा उठा के इनके बारे में बातें कर करके। क्योंकि एक तो इसमें जो मंत्रिमंडल में शामिल किया है वो एक यूएन का बहुत बड़ा आतंकवादी घोषित है, उसको देश चलाने के लिए दिया जा रहा है, और कैसे ये पाकिस्तानी पैरवी कर रहे हैं दोस्तों। आइए दिखाते हैं आपको ये पाकिस्तानी डिबेट, जिसमें आतंकवादी आतंकवादियों की कैसे पैरवी कर रहे हैं और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए ये डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी कैसे बौखलाए हुए और कैसे पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों को एक मौन सहमति दे रहे हैं। आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। जी जनरल साहब की आवाज नहीं आ रही। सदाकत अली भाई साहब, आपकी हुकूमत कैसे देख रही है हुकूमत सादी को? भारत तो इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान पे, एक पाकिस्तानी जनरल गए, उन्होंने जाकर उनको लिस्ट दी और वो लिस्ट अनाउंस हो गई है। भारत तो ये इल्जाम लगाता है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रहा है शुरू से ही। एक तो अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो हम किसी फरीक का साथ नहीं देंगे। दूसरा, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये इसमें सियासी इस्तेहकाम आए और खुदा ना खास्ता खून रेजी या किसी तरह का केओस ना आए, बिकॉज अगर वो आता है तो पाकिस्तान सबसे बड़ा उससे मुतासर होगा। पाकिस्तान चाहता है कि ये अमन और ये पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको हम खित्ते के जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उससे जोड़ें, और पाकिस्तान को आगे रास्ते चाहिए मिडल जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वहाँ तक। लिहाजा हमें एक मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की बड़ी वाज़े पॉलिसी थी कि इनकी हुकूमत किसकी होगी, कौन बनाएगा, वो ज़ाहिर अफगानिस्तान के लोगों का ये हक है, और पाकिस्तान उनके अमन की जितनी कोशिशों में उनको सपोर्ट करेगा। हाँ, ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कैसी होगी जब तालिबान ये कह देते हैं कि अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, जो इससे पहले होती रही, तो और उसके बाद इंडिया का रिएक्शन देके हमें ये लगता है कि ये कुछ पाकिस्तान के लिए बहुत ठीक हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वहां वावेला मचा हुआ है और हर चीज को वो नेगेटिव करके दिखा रहे हैं, उससे हालात से लगता है कि इंशाल्लाह अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भी आएगी, और पाकिस्तान के लिए जो रीसेंट माजी में जो ये अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई, रॉ ने अपनी वहां पे कार्रवाइयां की और पाकिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दी के हमले हुए, हमें ये सुकून है कि इंशाल्लाह हालात इधर जा रहे हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान नहीं, लेकिन गवादर और मस्तूम में जो अटैक हुए हैं, आपके वजीर दाखिला ने कहा कि गवादर और मस्तूम में जो अटैक हुए हैं ये लोग डिटेक्ट हो गए हैं, हमने इनको पता कर लिया कौन लोग हैं, और ये भी अफगानिस्तान से आए थे। देखें, अफगानिस्तान में जाहिर है इतना ज्यादा एक वैक्यूम है पावर का, और जब ट्रांजिशन होती है इमरान, तो बहुत सारे दरमियान में प्लेयर्स आ जाते हैं, जब हुकूमतें बदलती हैं, खुदा न खास्ता इस तरह का हालात कभी किसी मुल्क में ना आए, तो बहुत बड़ा एक वैक्यूम आ जाता है, बहुत बड़ा आपको पता है एक अनरेस्ट आ जाती है, तो कोई भी प्लेयर हो सकता है। लेकिन हमें पाकिस्तान का कंसर्न एक ही था कि टीटीपी माजी में पाकिस्तान में उसने बहुत ज्यादा खून खराबे में उसका रोल था, और वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी, और भारत और एनडीएस उसमें बड़ा वाजे था, और पाकिस्तान के पास बहुत सारे जाहिर शवाहिद भी हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन फौज और एक बड़ी मौसर इंटेलिजेंस इदारा हमारा ISI का है, जो जिसको जिसकी जिसकी सुप्रीमेसी को दुनिया मानती है। तो उस सारे हालात के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो जो ये इस तरह के वाकयात हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या कोई ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को भी काउंटर करने का फायदा मतलब मदद मिलेगी, और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम और अफगानिस्तान इस्तेकाम के लिए इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान इस खित्ते में बदमनी का सबसे बड़ा सफर रहा है, और हम चाहते हैं कि ये अब ये खत्म हो और दुनिया ये खिता तरक्की करे। जी जनरल साहब, इमरान दो चीजें हैं,
एक तो जो भी हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि और इंक्लूसिव होनी चाहिए हुकूमत, हमारी डेफिनेशन और तालिबान के डेफिनेशन इंक्लूसिव में फर्क हो सकता है। तालिबान के लिए वो इंक्लूसिव होगी जो लोग उनके साथ शामिल रहे हैं जद्दोजहद में, वो उन लोगों को शायद अपने साथ शामिल करना नहीं चाहेंगे जो इनकी जद्दोजहद में शामिल नहीं रहे लेकिन अब क्लेमेंट बन के आ गए हैं। नंबर दो, तमाम ममालिक जो इनके खिते में है, जिनके स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में, उन सब की कोशिश ये होगी कि उनके पसंदीदा लोग हुकूमत में आए ताकि उनकी जो इंटरेस्ट है उनको रिकॉफ्ट किया जा सके। लेकिन तालिबान के इश्यूज डिफरेंट है। तालिबान का और अफगानिस्तान के इश्यूज वक्त ये है कि नंबर एक, गवर्नमेंट इन प्लेस हो, गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले सिचुएशन को और गवर्नेंस होती हुई नजर आए, क्योंकि इसके चैलेंजेस देखिए, जाते जाते अमेरिका बहुत कुछ तबाह कर गया है, इदारे है नहीं है इनके, काम करने के लिए जो इनके ब्यूरोक्रेसी थी या जो भी ब्रेन्स थे वो 40 से 45 हजार अफगान को तो वैसे ही वो निकाल कर ले गया है। तो तालिबान के चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं और ऊपर से प्रेशर क्या डाला जा रहा है कि जी आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। भाई वो अफगान है, 20 साल तक जद्दोजहद में लगे रहे हैं, 20 साल अमरीका इतनी बड़ी फौज रख के वो तो कुछ कर नहीं सका, अब इनको कुछ टाइम तो दें कि ये कुछ करके अपने आप को स्टेबल करें, स्टेबल करने के बाद आगे चलें। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं कि तालिबान बना लेंगे। इनकी खासियत ये है कि ये बैठकर बातचीत करेंगे, बातचीत लंबी हो सकती है लेकिन दिया निकाल लेते हैं। ये लोग पंजशीर का इंतजार कर रहे थे, उसकी पंजशीर भी मारी गई है, तो अब मेरा ख्याल तालिबान सुई से अपनी हुकूमत ही बना लेंगे। इसको स्टेबल करने और इसको अपनी रिट कायम करने में टाइम लगेगा, वो चीज जो है वो हमें कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। वो टाइम तो उनको मिलना चाहिए। अमेरिका 20 साल में वहां काबू नहीं कर सका और दर्जनों मुल्क काबू नहीं कर सका। करजई कभी भी पूरे अफगानिस्तान पे इख्तदार हासिल नहीं कर सका। गनी कभी भी पूरे अफगानिस्तान पे इख्तदार हासिल नहीं कर सका। और अगर तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं उनको 20 साल मिले हैं तो इनको भी 2-4 साल मिलने चाहिए। लेट्स सी वो कहां तक पहुंचते हैं, कितने मामलों को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है, मुतालबा भी ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं आपके सामने रखूं कैसर अहमद शेख साहब, तो जो हमसाए में होने वाली तब्दीली है उस पर आपकी आपकी पार्टी इसको खैर मकदम करती है या आपकी पार्टी इस पर तहफ़ुज़ात रखती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान रियाज साहब, आप बड़े ही एक्सटेंसिव और अच्छे टॉपिक को सही वक्त पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीली है जिसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। हमारे बिल्कुल नेबर में, हमारे इमीडिएट पड़ोस में ये तब्दीली आई है। और इससे देखिए, जो जो कुछ हो रहा था, इस इंडिया ने वहाँ पे अपना कंट्रोल करके हमारे कई उन्होंने कौंसल खाने बनाए थे हमारे बॉर्डर्स पे, और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा था और जो कुछ वो तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उन सब पे ओंस पड़ गई है और उनके ख्यालात से ये वाज़ेह तौर पे पता लग रहा है। हमारी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये चाहती है, पहले हम तो यही चाहते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ नस्लों के लोग आएँ, वहाँ पे वो गुड गवर्नेंस करें और हम उनकी कामयाबी के दुआगो है हमारी पार्टी। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया है, वो ये मुश्तरका तौर पे सब इसको एग्री करते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कि मैं समझता हूँ कि ISI के हमारे जनरल फैज हमीद वहाँ गए हैं और वो भी उन गवर्नमेंट के बनाने में वो जो भी कुछ मदद हो सकती है या जो कोई मशवरा हो सकता है या हमारी जो एम्बेसी के साथ जो तआवुन किया जा सकता है। इन हालात में देखिए, अगर उन्होंने 6 मुल्कों को बुलाया है तो हमें, मैं समझता हूँ, ज़रूर जाना चाहिए वहाँ, क्योंकि इस वक्त वो बड़ी शदीद ज़रूरत है अफगानिस्तान को गुड गवर्नेंस की, मामलात को कंट्रोल करने की और अपने नेबर से अच्छे तल्लुकात रखने की। उन्होंने जो एक यकीन दहानी कराई है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी पार्टी के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरजमीन किसी दहशतगर्दी के लिए या किसी मुल्क के दूसरे मुल्क के मामलात में इंटरफियर नहीं करेगी। मैं ये महसूस करता हूं कि अभी तक तालिबान ने जिस तरह का रोल प्ले किया है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक देखिए ना, उन्होंने किसी को, उन्होंने पहले दिन से ही कहा कि सबके लिए अमन है, आइए और बैठिए और मिल के बात करें। तो ये 20 साल या इवन मैं समझ 40 साल से अफगानिस्तान में अंदरूनी खलफशार हो रहा है और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। ये कोई वक्त तो लगना है, मैं नहीं कहता कि
कुछ दिनों में ये मामला बेहतर हो जाएगा, लेकिन इब्तदाई जो मामला सामने आ रहे हैं, जो अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम किसी मुल्क से भी इंटरवियर नहीं करेंगे और झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते। वो अपना मुल्क है, लेकिन हमारा क्योंकि इमीडिएट नेबर है हमारे मामलात का, और वो एक लैंड लॉक कंट्री है जिसकी पोर्ट पाकिस्तान से है, तमाम उनकी जो रूट्स होते हैं उनकी ट्रेड का, उनकी इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, वो